हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के है। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप सीएसवी फाइल बना सकते हैं सीधा पाइथन में, और जब आप उस फाइल को देखेंगे तो फाइल आपकी बन जाएगी, उसको आप एक्सेस भी कर सकते थे। लेकिन क्या कोई फाइल अगर एक्सेल में बना दी जाए तो उसको एज अ सीएसवी फाइल आप अगर एक्सेल में बनाते हैं तो क्या उसको आप पाइथन में लेके आ सकते हैं, उसका मेथड क्या होता है। हालांकि ये चीज भी मैंने कई बार बताई है आपको, एक बार फिर से देखते हैं ताकि आपको पूरा 100% ये चीज कंफर्म हो जाए कि ये कैसे आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहला काम कि आपको एक्सेल ओपन करना होगा, क्योंकि ये सीएसवी फाइल एक्सेल पे ही बनेगी। तो यहां से एक्सेल को ओपन करता हूं, ये एक्सेल का 2007 है। अब कोई भी एक सीएसवी फाइल बनाएंगे, सीएसवी फाइल जो कॉमा से सेपरेट होती हुई लिखी जाती है, यहां पर मैंने नेम लिखा, जस्ट कल वाला ही स्ट्रक्चर आपको शो होगा। देखिए यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट वन और फिर यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट टू। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को यहां से पकड़ते हैं और इसको ड्रैग करवा लेते हैं। तो यहाँ पे पांचों सब्जेक्ट के नाम आ गए, मतलब 1 2 3 4 5 कर दिया है मैंने, आप नाम भी रख सकते हैं। और यहाँ पर अब उन स्टूडेंट्स के नाम आएंगे, तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स के नाम है उनको आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर 3-4 नाम मैंने लिख लिए हैं एग्जाम्पल के लिए, और ज्यादा भी हो सकता है ये। ठीक है, बाकी यहाँ मार्क्स लेके आने हैं, तो अब जल्दी जल्दी में ये तरीका मुझे अच्छा लगता है और ये तरीके से मैं जल्दी जल्दी मार्क्स लेके आता हूँ ताकि ये जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे सबके मार्क्स आ जाए। तो ये हो गया ये मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ से इसे हम वैल्यू बना लेंगे, क्योंकि ये बार बार चेंज होता रहेगा तो हमारा रिजल्ट भी अफेक्ट होगा। और यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन चलिए अभी हम टोटल हटाते हैं, यहाँ से हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। ठीक है, और इसको जब सेव करेंगे ना, तो यहाँ से ऑफिस बटन पे जाइए और यहाँ से आप जाइएगा ना, तो ये देखिए ये एक्सेल वर्कबुक है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पर ये बहुत सारे एक्सटेंशन आपको दिखाई पड़ेंगे। तो हमें क्या करना है, एज सीएसवी फाइल इसे सेव करना है, एज सीएसवी फाइल यानी कॉमा डिलिमिट, ये वाला एक्सटेंशन जो दिख रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए। और इसका नाम जो है आप देख लीजिएगा जरूर कि इसका नाम क्या आप रख रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर नाम रख लिया युवराज, तो यहाँ पे युवराज नाम से एक फाइल हमने बनाई। ठीक है, और इसको मैं सेव कर रहा हूँ कहाँ, डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ, कहीं भी कर सकते हैं आप। ठीक है, फिलहाल मैं डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ, तो ये डेस्कटॉप पे सेव भी कर लिया और इसको यस कर दीजिएगा तो ये सेव हो जाएगा। अब इसको क्लोज कर दीजिए, ये जो एक्सेल फाइल ओपन है इसको आप क्लोज कर दीजिए। और ये युवराज नाम से जो फाइल बनी है वो देख सकते हैं डेस्कटॉप पे आई होगी कहीं। अब हम चलते हैं यहाँ से न्यू फाइल लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं, ये आ गए। अब यहां पर हम सीएसवी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं, तो यहां पर लिखना है इंपोर्ट। ठीक है, और सीएसवी फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हमें डायरेक्ट सीएसवी यहां पे नहीं लिखना है, यहां पे लिखना है पांडास। तो जो पांडास लाइब्रेरी हमने डाउनलोड की थी वही यूज करेंगे। और यहां पर एक ऑब्जेक्ट नेम कुछ भी दे सकते हैं आप, PD कर दिया मैंने। ठीक है, और यहां पर बना लेते हैं माई सीएसवी के नाम से, तो ये माई सीएसवी के नाम से एक हमने बना लिया है। और यहां पर क्योंकि पीडी नाम दिया है तो PD.read करते हैं यहाँ पे read। ठीक है, और यहाँ पे read किसको करेंगे, तो csv को read करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे read लगा करके और underscore लगाते हैं और देन यहाँ लिखते हैं csv। ठीक है, और csv लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, और इसके अंदर डबल कॉमा ओपन करना है, डबल कॉमा क्लोज करना है, और इसी डबल कॉमा के अंदर उसका पाथ लेके आना है। पाथ मैंने समझ रहे हैं, ये फाइल जहां पर सेव हुई है, ये फाइल जो सीएसवी वाली जो हमने बनाया है एक्सेल में, ये वाली फाइल नहीं, एक्सेल वाली फाइल। तो जो एक्सेल वाली हमारी फाइल है होगी उसी को हमें लेके आना है। तो वाई प्रेस करते हैं, देखते हैं यहाँ पे युवराज नाम से कोई फाइल है या नहीं है। ये देखिए यहाँ पर युवराज नाम से फाइल है, तो इस पर जाकर राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे चलेंगे और इसका पाथ जो है वो हमें लेना है। तो ये देखिए यही पाथ है इसका, तो इसको हम उठाते हैं यहाँ से, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये कॉपी कर लिया और कॉपी करके अब पाइथन पे चलेंगे और पाइथन पे जाके यहाँ पर इस डबल कॉमा के बीच में इसे पेस्ट भी कर देंगे। तो ये पेस्ट कर दिया, ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर डबल स्लैश लगा लीजिएगा इस तरीके से, ये कभी सिंगल स्लैश पे काम नहीं करता है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे डबल डबल ये लगा लेना है इस तरीके से। ठीक है, और लास्ट में आपको देना है फाइल का नेम, ये डबल स्लैश लगा करके ही आपको फाइल का नेम भी देना है, यानी जो युवराज नाम से फाइल थी यहाँ पे देखिए ये आ भी जाएगा युवराज.csv, ये आ गया। अब इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, बंद करके क्या करना है, एंटर करना है। और यहाँ पर क्योंकि
अब हम प्रिंट करवाएंगे, तो ये लिखा प्रिंट, और चूंकि हमने नाम दिया है माई सी एस वी तो यहाँ पर लिख देते हैं माई सी एस वी और इसको बंद कर देते हैं और F5 करके अब एंटर करते हैं। तो अब इसको सेव करते हैं, तो किसी भी नाम से इसे सेव कर सकते हैं। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और जैसे ही इसे चलाएंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर वो फाइल आपको डिस्प्ले हो जाएगी। देखिए ये फाइल आपको डिस्प्ले हो रही है, ये एक्सेल वाली ही फाइल है, आप देख सकते हैं, जो कि सीधा यहाँ पर डिस्प्ले होती हुई आपको नजर आ रही है। यानी आपने बनाया एक्सेल पर और फेच कराया पाइथन पर। इसके पहले कल जो है मैंने आपको दिखाया था कि पाइथन पे बना करके एक्सेल पर कैसे उसे देख सकते हैं या नोटपैड पे कैसे देख सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी कि इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से जवाब इनका दे सकते हैं, ठीक है। और डाटा एनालिटिक्स बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए अगर आप इन चीज़ों को जानते हैं तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।